मामला है और बहुत गंभीर मामला है। देखिए इस वक्त में तो तापमान उतना है भी, फिर भी जो 2016 का जो नियमावली बना था, जो रघुवर दास जी ने बनाया था कि 10 किलोमीटर दौड़ना एक घंटे में, उसके बाद कोरोना काल आया। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, वो लोग गहन रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं जो एस्ट्राजेनेका ने जो डिस्क्लेमर किया कि वैक्सीन जानलेवा भी हो सकता है, कहीं ये उसका कारण तो नहीं? क्या हार्ट का प्रॉब्लम है? कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ शायद स्टेरॉयड लेके दौड़ते हैं तो उसके कारण बॉडी एक्युमुलेट नहीं कर पाती है। कुछ डॉक्टर ने कहा कि जो कोरोना इफेक्टेड है या वैक्सीनेटेड है, उनके पल्मोनोलॉजी के जो एक्सपर्ट है वही बता रहे थे कि अब ये एक नया सिम्टम आने लग गया है कि यंग एजेस में हार्ट अटैक का रेट अचानक से 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तब ये सारी चीज़ें, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्टें भी आएंगी, जो दुखद 8 मौतें या 10 मौतें हुई हैं, ये हृदय विदारक है। नौकरी के हाँ तो रोक देना चाहिए अभी मिला। मैंने तो बात किया है और हमको लगता है ये प्रशासनिक फैसला है, बेहतर संजीदगी के साथ इस पर विचार होगा और उसके बाद आगे कार्रवाई। कोरोना टीका लगाने का बाद 2 बार इंटरव्यू हुआ है, 2 बार दौड़ हुआ है, कोई लोग नहीं मरा है। ऐसा तो नहीं था कि झारखंड का कोरोना का टीका अलग था और असम का कोरोना का टीका अलग था। ये कोरोना टीका लेने का बाद आर्मी में कितना बहाली है, कोरोना टीका लेने का बाद सीआरपीएफ में कितना बहाली हुआ, कोरोना टीका लेने का बाद कितना अग्निवीर में कितना बहाली हुआ। एक झूठ का भी एक सीमा होना चाहिए। आप लोग जरूर इनको प्रश्न कीजिए, जब भी ऐसा झूठ का सहारा लेते हैं आप लोग उनको जरूर प्रश्न कीजिए कि आपके कोरोना का टीका कोई अलग था क्या, अग्निवीर में यह किया क्यों, घटना नहीं हुआ। 2021 का बाद असम में कम से कम 20,000 पुलिस कांस्टेबल का नियुक्ति हुआ, एक ही फिजिकल टेस्ट है, तब क्यों कोई नहीं मारा। सीआरपीएफ में नियुक्ति हुआ है, बीएसएफ में नियुक्ति हुआ है, झारखंड का जुबान का भी नौकरी मिला है, अग्निवीर में झारखंड का जुबान को नौकरी मिला है, कोई एक व्यक्ति भी तो नहीं मारा है। आपको आपको शर्म नहीं लगते है कि आपको इसका साथ भी आप कोरोना का टीका को आप संयोजन करने का कोशिश करेगा? अब कितना कितना आप गिरेगा, अब कितना अपने आपको आप कहां ले जाना चाहते हो? आप बोलिए, आप ही लोग बोलिए, कोरोना टीका लेने का बाद आर्मी में रिक्रूटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, अग्निवीर का रिक्रूटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, एनसीसी का मास पास हुआ है कि नहीं हुआ है, सीआरपीएफ में नियुक्ति हुआ है कि नहीं हुआ है, देश भर का प्रदेशों में पुलिस का नियुक्ति हुआ है कि नहीं नियुक्ति हुआ है? ऐसा झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ का भी सीमा होता है।